दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बैंगन खाने से जो है कई सारे स्वास्थ्य लाभ आपको मिलते हैं। बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल भी कहते हैं और अगर बैंगन को भून लिया जाए, भूनने के बाद जो इसका भरता बनता है उसका स्वाद एक अलग ही लेवल का होता है और बहुत बढ़िया लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंगन का भरता बनाकर दिखाऊँगा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप बाज़ार में जाएं तो आपको जो बैंगन लेना है वो इस तरह से होना चाहिए, गोल मटोल सा, थोड़ा बड़े साइज़ का। आप जब भी बैंगन वहाँ पर देखें तो उसके अंदर देख लीजिएगा, कोई होल नहीं होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छेद होगा तो उसके अंदर हो सकता है कीड़ा हो। तो आप इस प्रकार से जो है देख लीजिएगा। ये जो बैंगन है इसका वज़न लगभग 350 ग्राम के करीब है, 330 ग्राम के करीब। तो यहाँ मैंने जो है इसमें चीरा लगा दिया है चक्कू की मदद से, एक होल हम कर देंगे क्योंकि मैं इसके अंदर ऐड करूंगा लहसुन को। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय से जो है लोग लहसुन और साथ में मिर्ची ऐड कर देते हैं, तो मैं ज़्यादा मिर्ची खाता नहीं हूँ, मैं मिर्च इतनी ऐड नहीं करता हूँ, तो मैं फ़िलहाल सिर्फ लहसुन को ऐड कर रहा हूँ। तो लहसुन को इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको जब हम भूनेंगे तो ये जो लहसुन है ये भी भुनेगा और जो लहसुन का फ्लेवर है वो फ्लेवर इस बैंगन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर जो है सरसों के तेल को अप्लाई करेंगे। इसकी जो बाहरी स्किन है इसके ऊपर हम सरसों के तेल को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए आप इसे सरसों के तेल में ही बनाएं और सरसों के तेल को ही अप्लाई करें और ये बहुत अच्छे तरीके से भुनेगा और भुनने के बाद जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बैंगन खाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। ये प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और अगर कैंसर है तो ये कैंसर से भी बचाव करता है। डायबिटीज़ में भी जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि ये याददाश्त बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होता है ये बैंगन। और बैंगन की जो सब्ज़ियाँ हैं वैसे तो कई तरह से बनती हैं, कोई आलू बैंगन बनाता है तो कोई कुछ भी कैसे भी बनाता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया है वो है बैंगन का भरता। तो चलिए गैस ऑन कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ये जाली लगा दी है, यहाँ हम इसे भूनेंगे। तो भूनने का जो प्रोसेस है लगभग 4 से 5 मिनट का होगा, तो आपको जो है इसी तरह से इसे भूनना है। कई बार जो है बैंगन के ऊपर जो डंडी होती है वो हट जाती है या नहीं हो पाती है, तो आप बीच में चक्कू ऐड कर भी जो है इसको भून सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जिस पर डंडी लगी हुई हो वही आप लें। तो यहाँ हमें इसे भूनना है लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से। सारी स्किन, इसकी जो बाहरी स्किन है वो अच्छे से भुन जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, तो समझ जाइए ये अंदर से जो है भुन चुका है। तो ये अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और जो इसमें मैंने लहसुन ऐड करा था, गार्लिक ऐड करा था, वो भी भुन चुका है, उसका फ्लेवर अंदर आ चुका है, इसकी खुशबू भी आने लग गई है भुने भुने की। तो दोस्तों ये देखिए भुन कर तैयार हो चुका है। यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे एक पतीले के अंदर रख दूँगा और ढक कर रख दूँगा ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और जो इसके ऊपर स्किन है वो नरम हो जाएगी, हमें उतारने में आसानी रहेगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक प्याज ली है, ये जो प्याज है ये मीडियम साइज़ की है और इसके जो है हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। प्याज जो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है बैंगन के भरते में और जो इसका फ्लेवर है बैंगन के भरते को 4 चांद लगा देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो यहाँ मैंने एक प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक इसके पीस कर लिए हैं। तो वहीं दोस्तों मेरे पास ये 4 लहसुन की कलियां हैं, इसको भी जो है मैं बारीक बारीक पीस लूँगा, इसके भी एकदम छोटे छोटे हमें पीसेस कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों हम ले लेंगे अदरक। जी हाँ, और अदरक के ये जो मैंने लिए है ये 1 इंच अदरक है और इसके जो ऊपर की स्किन है जो सॉफ्ट स्किन है उसे हम उतार लेंगे और उतारने के बाद हम इसके भी जो है बारीक बारीक छोटे छोटे जो है पीसेस कर लेंगे। सो फाइनली दोस्तों देखिए पीसेस हो गए हैं। तो यहाँ मैं 2 हरी मिर्च ले रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और भी ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मध्यम ही खाता हूँ मिर्च, ज़्यादा मिर्च खाना पसंद नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं 2 हरी मिर्च ले रहा हूँ और इसके भी जो है हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो फाइनली देखिए ये 3 इन्ग्रीडियंट हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद बारी आती है टमाटर की। तो यहाँ पर जो है मैं 2 टमाटर ले रहा हूँ और ये जो टमाटर हैं ये देसी टमाटर हैं और इसके अंदर जो खटास होती है वो बहुत बढ़िया लगती है। कभी भी आप टमाटर का उपयोग करें तो देसी टमाटर का ही उपयोग करें, बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इस टमाटर के अंदर जो बीज हैं उसका उपयोग नहीं करूँगा, मैं उसका उपयोग करता भी नहीं हूँ। तो
यहाँ जो है मैं बिना बीज के इस सारे टमाटरों के छोटे छोटे पीस कर लूँगा, और ये टमाटर भी जो है बैंगन के भरते में स्वाद काफ़ी बढ़ा देता है। तो फाइनली दोस्तों देखिए ये छोटे छोटे पीसेस इसके हो चुके हैं। तो ये हमारे चारों इंग्रेडिएंट तैयार हैं। अब हम जो बैंगन है ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, और जो इसके ऊपर की स्किन है इसको हम उतार लेंगे चक्कू की मदद से, या फिर जो आप हाथ से भी उतार सकते हैं। अगर आप साइड में पानी रख लीजिएगा, उतारें इसे, इसकी जो स्किन है आपके हाथों पे लगेगी तो पानी से आप उसे छुड़ा लीजिएगा फिर उतार लीजिएगा। तो आप इस तरह से भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो बैंगन की जो ऊपर सारी की सारी स्किन थी वो मैंने हटा ली है। तो यहाँ जो है इसके डंठल भी हम हटा देंगे। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से काट लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जो इसके अंदर बीज हैं वो बीज हमें हटाने हैं। जी हाँ, वो बीज हमें साइड कर लेने, इसमें से निकाल लेने, उसे छाड़ लेने। तो जैसे मैंने साइड में कर दिया है तो ये बीज मैंने हटा दिया है। अब जो इसका सॉफ्ट भाग है बस हमें इसी का ही भरता बनाना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको एक अलग भगोरने में डाल लूँगा जो इसका सॉफ्ट भाग है, और इसको अभी हम थोड़ा सा कूट लेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि जो भरता है वो भरता हमारा बहुत बढ़िया बने। चम्मच की मदद से जो है मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरह से आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास मथनी है, जैसे कि मैं अभी मथनी का उपयोग कर लूँगा चक्कू की मदद से थोड़ा थोड़ा सा, हम इसे कूटने के बाद ये जो मथनी है ये अच्छा परफॉर्म करेगी इसका भरता बनाने में। तो यहाँ इस मथनी से जो है आप देखेंगे जो लहसुन है, जो सॉफ्ट लहसुन है वो भी पिस जाएगा, और जो भरता है ये भी पिस जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, खाने में मज़ा आ जाएगा आपको, पकाने में भी मज़ा आ जाएगा। तो ये एकदम जो है मैंने तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हैं जो भरता है, जो बैंगन है वो अच्छे से पिस गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। तो यहाँ जो है गैस को ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं पैन को। तो दोस्तों इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे। ये सरसों के तेल में बहुत बढ़िया बनता है। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जो इसका असली, जो प्राचीन, जो इसका स्वाद है बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा है वो सरसों के तेल में ही है। तो सरसों का तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर एक चम्मच जीरा डाल देंगे, और जीरा डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट डाल देंगे यानी कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा जो गार्लिक है वो थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाएगा, तो वो एक अच्छी सी इसमें खुशबू सी आने लग जाएगी। तो जैसे ही ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज को, हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से भून लीजिएगा, इस तरह से एक से डेढ़ मिनट आपको लगेगा। तो इसे अच्छे से भून लीजिएगा। तो भूनने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑनियन को यानी कि प्याज को, और प्याज को भी जो है हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, ये बैंगन के भरते की एक खासियत है, प्याज का जो फ्लेवर है वह अगर हम ज़्यादा भून देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमें इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, बहुत लाइट ब्राउन करना है ताकि जो प्याज का फ्लेवर है वो बैंगन के साथ अच्छा लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ से दो मिनट ही बस हमें इसे भूनना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर को भी जो है हमें लाइट ही रखना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस लाइट करना है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट सा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो एक चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है, और इसके बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे एक चम्मच, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, और बस इसके अंदर ये तीन ही इंग्रेडिएंट मसाले हमें डालने हैं। धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा बैंगन का भरता होता है लेकिन स्वादिष्ट बहुत लगता है। ज़्यादा मसाले ऐड करने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा टमाटर, और जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाएंगे, इनकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना बैंगन। तो बैंगन को हम अच्छे से ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो है सारे इंग्रेडिएंट को चार से पाँच मिनट बस हमें इसे भूनना है, और इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर जो खुशबू है वो बनकर बाहर निकलेगी और आप कहोगे कि वाह क्या भरता बना है। तो गाइस इस वक्त जो है ये भरता एकदम बनकर तैयार हो चुका है। लास्ट में जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देंगे, और आप देखेंगे
जो इसकी खुशबू है और भी बढ़िया आने लगेगी। तो यहाँ दोस्तों एकदम बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। लास्ट में जो है हम इसमें धनिया डाल देंगे बारीक पीस कर, और धनिया से जो है इसमें चार चांद लग जाएंगे और ये बढ़िया दिखेगा आपको। और ये फाइनली जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो बैंगन का भरता एकदम तैयार है, चलिए इसकी जो है हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गाइस आपने देखा कि बैंगन का भरता बनाना कितना आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। कभी भी आपको टाइम मिले तो आप इसे बना लीजिए। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है इसके छिलके को उतारने में, इसको भूनने में, लेकिन जो स्वाद ये देता है, जो मज़ा आपको आएगा बैंगन के भरते को खाने में, वो और किसी में नहीं है। बहुत बढ़िया लगता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे 100 ग्राम यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर जो फैट है वो 0.2 ग्राम मिलता है। पोटेशियम इसके अंदर आपको अच्छा मिलेगा, 229 मिलीग्राम मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको 6 ग्राम मिल जाएगा, और प्रोटीन भी इसके अंदर आपको 1 ग्राम मिलेगा अगर आप 100 ग्राम खाते हैं बैंगन के भरते को। तो फाइनल दोस्तों ये था बैंगन का भरता, और आप बना कर देखिए इस तरह से। और अगर आप बनाते भी हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी ये वीडियो। मैं आपके लिए फिर और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।